हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिलाषा शर्मा। आज मैं आपके लिए लेके आई बिल्कुल सिंपल और इफेक्टिव होममेड फेशियल, जिसका सारा इंग्रेडिएंट आपको आपके घर में अवेलेबल मिल जाएगा। गाइस, हमारे घर में कोई भी शादी हो, पार्टी हो या फिर कोई भी ओकेजन हो, केवल हम फेशियल कराने पार्लर जाते हैं, जिसका आसानी से हमें हजार दो हजार रूपए आराम से देना ही पड़ता है। लेकिन आज मैं आपके लेके आई बिल्कुल सिंपल और इफेक्टिव 3 इजी स्टेप में आप घर में ही फेशियल कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में जाने से पहले रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को कर दे प्रेस और बेल आइकन को कर दे ऑन, जिससे मेरे ऐसी बहुत सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। हम एलोवेरा से क्लींजिंग करेंगे। कोई भी फेशियल करने से पहले हमें क्लींजिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। इससे हमारा फेस क्लीन होता है, मॉइस्ट होता है। गाइस, हम एलोवेरा से क्लींजिंग करेंगे। एलोवेरा आप कोई भी ले सकते हैं, आप मार्केट का खरीदा हुआ कोई एलोवेरा जेल ले सकते हैं, या फिर आप घर का प्लांट का एलोवेरा ले सकते हैं। गाइस, मैं सजेस्ट करूंगी कि घर का वो तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपके घर में एलोवेरा नहीं है तो आप अभी लगाएं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है हमारे स्किन में, हमारे हेयर में, बहुत बहुत सारी चीजों में एलोवेरा का बहुत ही अच्छा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। गाइस, एलोवेरा से क्लींजिंग करने से हमारा फेस मॉइस्ट होता है, बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होता है, क्लियर होता है, फेयर होता है। गाइस, हमें क्लीनिंग 1 to 2 मिनट्स के लिए करनी कंटिन्यू। गाइस, हमारा क्लीनिंग हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप है स्क्रबिंग। हमें अपने चेहरे को पूरे अच्छे से स्क्रब करना है। वही एलोवेरा ले लेंगे जिससे हमने क्लींजिंग किया था, उसमें राइस फ्लोर डाल के हम अपने चेहरे को पूरे अच्छे से स्क्रब करेंगे। गाइस, अगर आप मार्केट का कोई जेल यूज कर रहे हैं क्लींजिंग में, तो आप 1 स्पून अपने पाम पे ले ले, उसमें राइस फ्लोर चावल का आटा डाल ले और दोनों हाथों से अपने चेहरे को अच्छे से स्क्रब करें। गाइस, हम स्क्रब इसलिए करते हैं ताकि हमारे स्किन के कोई भी डेड सेल्स है वो निकल जाए। स्क्रबिंग करने से कोई भी डेड सेल्स हमारे स्किन का निकल जाता है बिल्कुल आसानी से। कोई भी डस्ट हो वो निकल जाता है, हमारे पोर्स ओपन होते हैं। गाइस, हमें स्क्रब 2 मिनट्स के लिए करना है। अब हमारा स्क्रबिंग हो चुका है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है और उसे वाइप कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, 2 स्टेप में हमारा चेहरा ग्लो करने लगा है। चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप, आखिरी स्टेप की तरफ, यानी कि हम बनाएंगे फेस मास्क। इसके लिए हम लेंगे 1.5 स्पून बेसन, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून चंदन पाउडर, 3 टेबल स्पून रोज वाटर। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसका एक थिक पेस्ट बना लेंगे। इसका पेस्ट नहीं ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज्यादा पतला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि अपने आपके फेस पे थम जाए, लग जाए अच्छे से एक मास्क की तरह। तो गाइस, अब ये पेस्ट बनकर हो गया है रेडी हमारे फेस पे लगाने के लिए एज अ फेस मास्क। तो मास्क रेडी हो चुका है। अब फिंगर पे लेके हमें इसे अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। गाइस, इस पेस्ट को लगाने के बाद पहले हमें इसे अच्छे से रब कर लेना है। तो फेस पैक को बनाने के लिए एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसमें जो हमने रोज वाटर मिलाया है वो आपके चेहरे को पिंक ग्लो देने के साथ साथ आपके चेहरे को निखरा निखरा बनाएगा और आपके चेहरे पे नेचुरल पिंक ग्लो आएगा। फ्रेंड्स, हल्दी हमने इसलिए मिलाया है क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। अगर आपके चेहरे पे कोई भी एक्ने या पिंपल है तो ये हल्दी उसको कम करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, हमने इसमें चंदन पाउडर इसलिए मिलाया है ताकि चंदन हमारे चेहरे को एक अलग सा ग्लो देता है, एक अलग सा निखार देता है। कि आपने देखा, मैंने इस पेस्ट पैक को पहले अच्छे से अपने चेहरे पे रब किया। अब बचे हुए पेस्ट को हमें अपने चेहरे पे लगा के इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। आने के बाद हमें बोलना नहीं है, हंसना नहीं है और रोना भी नहीं है। लुक एट दिस गाइस, इंस्टेंट ग्लोइंग एंड फेयर फेस। ये फेशियल आप मंथ में एक बार यूज करें, इससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अभी के लिए टेक केयर, बाय गाइस।